भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह भले लॉकडाउन चल रहा है लेकिन धड़ल्ले से अपने दर्शकों का एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने हाल ही में अपना एक गाना रिलीज़ किया है, मीठे मीठे बात है कमरिया, जिसने एक दिन में 3 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किया है। जी हाँ, ये पवन सिंह के लिए बहुत खुशी की बात है। वैसे भी इससे पहले पवन सिंह के जितने गाने आए हैं सभी ने धमाल मचाए हैं, लेकिन इस गाने को आपको ये बता दें कि टिकटॉक पे भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। जी हाँ, इस गाने पर भाई इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है टिकटॉक पर। वैसे भी पवन सिंह इन दिनों भले ही बिहार में हैं लेकिन क्या आपको पता है कि वो कितने एक्टिव हैं म्यूजिक वर्ल्ड में? जी हाँ, आपको तो पता ही होगा कि आरा में पवन सिंह का एक स्टूडियो है जहाँ पर पवन सिंह लगातार अपने गानों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं और रिकॉर्डिंग होते ही उसे जल्द से जल्द रिलीज़ भी करवा रहे हैं, ताकि इस लॉकडाउन के सिचुएशन में उनके जितने भी दर्शक हैं उनके गानों को बहुत पसंद कर सके। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब पवन सिंह अपने दर्शकों का इतना ध्यान रखते हों। जी हाँ, पवन सिंह उन स्टार में से हैं जो अपने दर्शकों का खूब ध्यान रखते हैं और उनके एंटरटेनमेंट का एक भी मौका नहीं छोड़ते। जी हाँ, पवन सिंह चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द लॉकडाउन की सिचुएशन ख़त्म हो और फिल्मों की शूटिंग शुरू हो, और साथ ही साथ वो अपने दर्शकों से स्टेज शो के दौरान भी मिल सके। वैसे सुनने में आ रहा है कि पवन सिंह की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, बस पोस्ट प्रोडक्शन का काम बाकी है। आपको बता दें कि इसके बाद पवन सिंह ये निर्णय ले सकते हैं कि पवन पुत्र को जल्द ही वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर रिलीज करेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आ रहा है कि लॉकडाउन से जल्द राहत मिलने वाली नहीं है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।